हम शाहजहांपुर की एक प्लाई फैक्ट्री में है। कभी आपने सोचा है कि इन टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों से किस तरह खूबसूरत स्ट्रेट प्लाई बनती है? शायद ही आपने कभी सोचा होगा, और अगर आपने सोचा है या नहीं सोचा है तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से प्लाई बनाई जाती है। सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि इन टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सी लकड़ी सही है। यहाँ इस मशीन में उसको डाला जाता है। इस प्रोसीजर के बाद यहाँ देखिए किस तरह से खूबसूरत इसके ऊपर की जो प्लाई है वो लकड़ियाँ हैं वो निकल जाती हैं। उसके बाद खूबसूरत इस तरह से लकड़ियाँ निकलती हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि इसको आगे की मशीन में डाला जाता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो लकड़ियाँ एक पतली चटाई की फॉर्म में हो जाती हैं। उसके बाद आगे चल के उसकी कटिंग होती है, एक अलग अलग शेप में उनको डिवाइड किया जाता है। कौन सा शेप बेटर है उस शेप में उनको इस तरह से रखा जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम तरह की लकड़ियाँ आगे आई हैं प्लाई के फॉर्म में, इसको चटाई के फॉर्म में बनाकर रखा गया है। और जो जिनका साइज़ थोड़ा इससे डिफरेंट है उनको भी अलग रख दिया गया है। इनका सिलेक्शन भी होगा, इनको भी एक अलग सेक्शन में रखा जाता है। आगे का प्रोसीजर भी हम आपको आगे चल के समझाते हैं। शाहजहांपुर व्यापार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही अच्छी जगह है। नंबर एक, यहाँ पर रेलवे की लोडिंग की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, नेशनल हाईवे पर स्थित है, और उसके अलावा गंगा एक्सप्रेस हाईवे भी यहाँ से निकलने जा रहा है। बगल में बरेली है जहाँ पर कि एयरपोर्ट ऑलरेडी आ गया है। इन सब परिस्थितियों में देखते हुए यहाँ की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर गन्ना, धान, गेहूँ, तिलहन आदि सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं। और एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ की लकड़ी यूकेलिप्टस और पॉपुलर लगभग पूरे देश का बहुत बड़ा कवर करती हैं, बहुत बड़ी सप्लाई करती हैं। तो ये वाला एरिया इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, उद्योग के हिसाब से बहुत ही अच्छा एरिया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके आगे में, कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में एक यही ऐसा ज़िला है आसपास के ज़िलों में, पूरे यूपी में, कि यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जगह रेड जोन में आ गए हैं, कहीं येलो जोन में आ गए, ये अभी भी ग्रीन जोन में है। यहाँ पानी की इतनी समस्या नहीं है कि वाटर लेवल इतना नीचे नहीं है कि यहाँ उद्योग लगाने के लिए स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ से मशीन में डालने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर सेट किया जाता है, एक सीमित टेम्परेचर पर इनको पकाया जाता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, और टेम्परेचर अगर नॉर्मल होता है तो इसकी स्पीड इक्वल रहती है जितनी की ज़रूरत होती है। स्पीड स्लो इसलिए हो जाती है जिससे कि अच्छे से जो ये प्लाई है ये अच्छे से सूख सके। जिस तरह से डाला गया था तो काफ़ी नमी इसमें दिख रही थी, लेकिन अब जब इसको यहाँ से निकाला जा रहा है तो इसमें नमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब ये जो प्लाई है ये पूरी तरह से सूख चुका है जितनी की ज़रूरत होती है इसकी। अब मैं इसको छू कर देख पा रही हूँ कि इसमें नमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। जो लकड़ियाँ हैं ये पूरी तरीके से ड्राई हैं, ये मैं फील कर पा रही हूँ उन्हें छू कर। अब आपको आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं, जो सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा अहम प्रोसीजर होता है। कभी आपने सुना है कि लकड़ियों की भी सिलाई होती होगी। सूखने के बाद अब यहाँ पर लकड़ियों को एक प्रॉपर साइज़ में 8x4 जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, उस हिसाब से लकड़ियों की सिलाई की जाती है। आप धागे भी देख पा रहे होंगे कि एक बेहद खूबसूरत महीन सा धागा यहाँ पर लगाया गया है जिससे कि यहाँ पर लकड़ियों की सिलाई होती है। लगभग कितना टाइम लगता है एक प्लाई की सिलाई करने में? 2 मिनट। 2 मिनट आप सुन पा रहे हैं, 2 मिनट समय लगता है इन लकड़ियों की सिलाई करने में। यहाँ एक के बाद एक लकड़ियाँ अंदर डाली जाती हैं, और इसके बाद आगे ये प्रॉपर 8x4 के फॉर्म में प्लाई निकलती है। अभी पूरी तरीके से प्लाई नहीं तैयार हुई है, आगे का भी प्रोसीजर है। और आगे आते हैं, आगे दिखाते हैं, अब हमारा जो प्लाई का बनने का जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है। इनका प्रॉपर पूरी तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, 8x4 के फॉर्म में इन्हें यहाँ रखा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से मशीनें लगाई गई हैं जिनको ये पूरी तरीके से इन्हें सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इस मशीन में रखती है। इसके बाद आगे का प्रोसीजर लिए चलते हैं, आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से सिलाई होने के बाद किस तरह से लकड़ियाँ नज़र आती, क्योंकि इसमें अभी आप पूरी तरीके से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जब लकड़ियाँ पूरी तरीके से सिलाई के बाद निकलती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से वो नज़र आती हैं। सूखने के बाद उन्हें सिलना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म मुझे नज़र आ रहा है। हर तरफ लकड़ियों की जो खुशबू होती है वो भी नज़र आ रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह सिलाई होने के बाद कितनी बारीकी से, कितनी खूबसूरती से इनकी सिलाई की जाती है, और जो छोटी बड़ी हर तरह की लकड़ियों का इसमें इस्तेमाल भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इसमें छोटी लकड़ियाँ भी मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ बड़ी लकड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं,
जो लकड़ियाँ आपको लगता होगा कि वेस्ट हो जाती होंगी वो भी इस थीम में इस्तेमाल की गई हैं। बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही खूबसूरती से इनकी सिलाई की जाती है। और आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी यहाँ पर प्लाई मुझे नजर आ रही है ये सब एक ही 8x4 के ही मेजरमेंट अगर करें तो उतने में ही नजर आ रही है। इधर जितनी भी मुझे प्लाई नजर आ रही है वो सब 8x4 के ही उसमें है। 1, 2, 3 और 4, 5 बार इसको सिलाई की जाती है तब ये जुड़ती है, जिससे कि इसके अंदर मजबूती भी बनी रहे। आइए आगे के प्रोसीजर की ओर आपको लिए चलते हैं कि किस तरह से आपका जो प्लाई है जो आप बेड में या अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से बनकर तैयार होती है और किस तरह से आप उसे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि अकेला शाहजहांपुर ऐसा, लेकिन ये मंडल की अगर मैं बात करें तो आज बरेली और शाहजहांपुर मिलकर, बरेली का अपना अपना पहचान बन चुका है प्लाईवुड के बारे में, तेलंगाना महाराष्ट्र इधर साइड में कि बरेली से जो प्लाई जाती है उसके रेट भी ऊँचे मिलते हैं, क्वालिटी भी अच्छी कहलाती है। तो बरेली के नाम पर शाहजहांपुर ये सारी चीज़ें नंबर की लकड़ी तो केवल शाहजहांपुर से फीड होती है काफ़ी बड़ी मात्रा में, यहाँ की लकड़ी की क्वालिटी बेहतर होने की वजह से शाहजहांपुर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है प्लाईवुड के लिए और बरेली भी एक बहुत अच्छा नाम जाना जाता है। इसके पीछे मेन कारण था कि हमारे पास यहाँ पर जो साधन चाहिए थे, मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी, वो नहीं थी। कालीन के बुनकर लोग तो थे, उसके बाद उसको परचेज करना सामान को, उनको जो सामान दिया जाना था वो अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए था बनाने के लिए, और उसके बाद माल को परचेज करके उसकी डाइंग करना, सफाई करना और उसको जो और आगे प्रोसेस हाउस मेरे यहाँ नहीं थे, इसकी वजह से ये उद्योग यहाँ पर लगभग मृतप्राय हो गया। अब केवल बहुत ही लोअर क्वालिटी की कालीन बनती है। मेरा ये मानना है कि वैसे तो हमारे माननीय मोदी जी का, योगी जी का बहुत ही अच्छा विजन है, हम विकास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तीनों मंत्री जो यहाँ पर हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ, काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी एक्टिव लोग हैं, मेहनती हैं। खन्ना जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं दिन रात 24 घंटे में, वो भी जस्ट लाइक दी अन्य जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं माननीय मोदी जी या योगी जी, उसी तरीके से उन्होंने आज अपना जीवन बना रखा है, जनता के लिए समर्पित हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और आज शहर में जो विकास है वो खन्ना जी की वजह से ही है। सिलाई होने के बाद अब इनमें और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए, जो सिलाई जहाँ जहाँ पर हुई थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, इसलिए अब इनमें ग्लू लगाया जा रहा है। उस मशीन के बाद जितनी भी प्लाई होती है उसको यहाँ पे लाया जाता है और एक के बाद एक इसे मशीन में डाला जाता है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि एक ऐसी कंपनी है जो जीरो इमिशन इंश्योर करती है। यहाँ की बनाई हुई प्लाई में बहुत सारे फायदे हैं कि ना तो इनमें आग लगने पर जल्दी ये जलती है, ना ही दीमक लगने का खतरा होता है, और भी जो अन्य परेशानियाँ होती हैं जो सस्ती लकड़ियाँ होती हैं उनसे बनाकर जो प्लाई तैयार की जाती है उनमें जो परेशानियाँ आती हैं वो यहाँ की बनाई हुई प्लाई में शायद नहीं होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताते चलूँ कि यहाँ पर अलग अलग जिस तरह से डिमांड होती है उस तरह से प्लाई तैयार की जाती है। आगे का प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। जिन लकड़ियों को चिपकाया जा चुका है उनको कोल्ड प्रेस के लिए ले जाया जा रहा है, इनको और भी मजबूती देने के लिए इस मशीन से इसको दूसरी मशीन की ओर शिफ्ट किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि इनकी मजबूती आपको यहीं से ही नज़र आ रही होगी कि अब इनकी थिकनेस थोड़ी सी पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। अब आगे का प्रोसीजर की ओर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इनको कोल्ड प्रेस किया जाता है। कोल्ड प्रेस करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, इन जितनी भी वहाँ पर लकड़ियाँ थी उनको यहाँ पर लोड कर दिया गया है। अब इसके बाद ये देखिए, और अब ये लकड़ियाँ यहाँ पर तैयार हैं कोल्ड प्रेस के लिए। देखिए ऊपर मशीन बढ़ती जा रही है इन्हें और भी मजबूती देने के लिए, इन्हें पूरी तरीके से कोल्ड प्रेस किया जाएगा। इसके बाद आगे हॉट प्रेस के लिए इन लकड़ियों को भेजा जाएगा। आप ही देखिए इसमें थोड़ी सी भी एयर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए देखिए प्रॉपर इन्हें स्ट्रेट किया जा रहा है। स्ट्रेट होने के बाद फिर ये आगे के प्रोसीजर के लिए तैयार हो जाएंगी। इनमें एक अच्छी बात ये भी है कि इनको क्वालिटी चेक भी कई बार किया जाता है कि कहीं लकड़ियाँ ख़राब ना हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए कई बार इनकी क्वालिटी चेकिंग भी होती है। जब प्रॉपर वेरीफाई हो जाता है कि लकड़ियाँ पूरी तरीके से ठीक है, इनमें कोई कमी नहीं है, और फिर भी अगर कोई कमी नज़र आती तो उन लकड़ियों को इनसे बाहर भी कर दिया जाता है, हॉट प्रेस के लिए नहीं भेजा जाता है। अभी यहाँ पे इसको कंप्रेस कर दिया गया है, इसमें जो भी एयर है, जो भी कमी है कोई भी, उसको यहीं पर दूर किया जाएगा। इसके बाद चाहूँ कोल्ड प्रेस का प्रोसीजर कितनी देर का होता है, कितनी देर तक इनको इसमें रखा जाता है? 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट जी। और लगभग कितनी लकड़ियाँ होती हैं जो इनमें डाली जाती हैं कोल्ड प्रेस के लिए? 20 पीस। मतलब ये आप पहले से ही इंश्योर करते हैं कि इसमें 20 पीस ही हो? जी 20 पीस ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 20 पीस तक हम लोग लोड बाई लोड देने के लिए
हर लोड भाई 20-20 के लिए डालते हैं। करीब 15-20 मिनट इनको यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद आगे की हॉट प्रोसेस के लिए जी आगे के लिए भेजा जाएगा, फिर पल्टी लगेगा, रिपेयर रिपेयर जो होगा हमारे माल छाट के उसके बाद प्रोसेस में फिर दिया जाएगा लोडर में, लोडर से फिर हॉट प्रेस में चला जाएगा। लकड़ियों की परत चिपकने के बाद अब इनकी मजबूती को छूकर महसूस किया जा सकता है कि जब दो परतें इसमें चिपक गई हैं तो ये काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी बहुत जो माइनर कमियां हैं वो ये हैं कि अभी इसमें कहीं कहीं टूटा हुआ है, कुछ कुछ कमियां रह गई हैं। अब इनको ख़त्म करने के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, ये हॉट स्टोरेज के लिए जाने से पहले किस तरह से ये जो कमियां हैं छोटी छोटी कहीं कहीं टूटा हुआ है कहीं कहीं कुछ कुछ कमियां हैं वो किस तरह से आप सही करते हैं? जी मैम, हम इस पर जहाँ पर अगर रिपेयर दिखता है तो हम तुरंत दूसरी रिपेयर मतलब बनाते हैं उसको, और जहाँ पे लगता है कि रिपेयर है वहाँ पे रिपेयर डाल के उसके ऊपर टेप मारते, टेप गीला करके उसको चिपका के बढ़िया रिपेयर देते हैं, फिर अगला पीस हम पल्टी करके फिर दूसरा हम देखते हैं, उसके बाद ये लोडिंग पे जाते हैं माल आगे प्रेस होने के लिए। अच्छा, तो क्या इससे मजबूती रहती है कि अगर ये कहीं कहीं जगह जगह पर टूटा हुआ है तो ये क्या इस टेप से मजबूती रहती है आगे? जी मैम, टेप से क्योंकि इसमें ग्लू लगा होता है ना, लकड़ी के नीचे ग्लू लगा होता है, थोड़ी बहुत ग्लू मजबूती देता है, बाकी टेप पूरा कर देता है तो इससे चिपक जाता है, फिर बाद में मजबूत प्लाई बनकर तैयार होती है। जी मैडम, ठीक है, आगे की प्रोसीजर की ओर आपको लेकर चलते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज का काम हो गया है, यहाँ पर क्वालिटी चेकिंग भी हो गई है, जो कमियाँ थी उसको भी दूर कर दिया गया है, जो थोड़े बहुत ब्रेकेज थे कहीं कहीं टूटा फूटा था वो इन्होंने सही कर दिया टेप लगाकर, और जो ग्लू था उसके ज़रिए भी इनमें मजबूती दे दी गई है। अब तैयारी है आगे की, अब ये हॉट स्टोरेज के लिए जाएगा और उसके बाद शायद ही कोई कमी इनमें रह जाती हो, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के समय में ही जो भी कमियाँ प्लाई बनने में रह जाती हैं वो यहीं पर इंश्योर किया जाता है और उसको दूर किया जाता है। अब आपको हॉट स्टोरेज की ओर लेकर चलते हैं, देखते हैं वहाँ का प्रोसीजर किस तरह से, किस तरह से प्लाई बनने का आगे का प्रोसीजर किस तरह से, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। कोल्ड प्रेस के बाद अब हॉट प्रेस की बारी है, जिस हिसाब से डिमांड होती है उस हिसाब से इन्हें टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगर वाटर प्रूफ की डिमांड होती है तो इन्हें करीब 150 के टेम्परेचर पर रखा जाता है, अगर नॉन वाटर प्रूफ की डिमांड होती है तो इन्हें करीब 120 से 125 के टेम्परेचर पर पकाया जाता है। अभी क्योंकि ये वाटर प्रूफ है इसलिए इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और ये मैं महसूस भी कर पा रही हूँ इधर खड़ी होकर, ये मशीनें काफ़ी गर्म हैं और गर्मी मुझे महसूस भी हो पा रही है। अब आप देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के बाद हॉट स्टोरेज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनको कंप्रेस करने के बाद और भी मजबूती देने के बाद यहाँ से ये प्लाई निकल रही है। आप देख पा रहे हैं कि इनकी थिकनेस जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि इन्हें अब इनका क्वालिटी चेक भी हो चुका है, अच्छे तरीके से इन्हें कॉम्प्रेस भी किया जा चुका है, इसलिए अब एक प्लाई का जो फॉर्म होता है वो आपको कुछ हद तक नज़र आ रहा होगा। बॉडी अपने स्ट्रक्चर में आ चुकी है, इनकी जो मजबूती है वो महसूस की जा रही है कि कितना मजबूत है, और ये काफ़ी गर्म भी है क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, इसलिए इसे 150 डिग्री टेम्परेचर पर पकाया गया है, इन्हें कंप्रेस किया गया है, इसलिए इनकी मजबूती के साथ साथ इनकी क्वालिटी चेकिंग भी हो चुकी है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं। कहा जाए कि ये बॉडी एक शेप में आ चुकी है, अब बारी है इसके मेकअप की और भी ज़्यादा इन्हें खूबसूरत बनाने की। चलिए आगे की ओर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इनको तैयार और भी प्रॉपर तरीके से किया जाता है। कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस, अब बारी है फिनिशिंग की, इसलिए इन्हें यहाँ कैलिब्रेट किया जाता है, कहीं कुछ अनइवन ना रह जाए, कोई कहीं रफ चीज़ें ना रह जाए, इसलिए प्रॉपर इन्हें ठीक तरीके से बनाने के लिए इन्हें कैलिब्रेट किया जाता है। ये आप क्या चीज़ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इस मशीन से आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं? इस मशीन से कैलिब्रेट कर रहे हैं, मतलाई को बराबर करते हैं, एक लेवल करते हैं, मशीन जो ओवर वगैरह होता है वो सब हटाती है, एक लेवल कर देती है, फाइबर वगैरह सब हटा देती है। इन्हें कैलिब्रेट इसलिए किया जाता है कि आगे ये मशीनों को हार्म ना करे, अगर ये प्रॉपर शेप में अभी यहाँ से कैलिब्रेट करने के बाद आगे जाएंगी तो आगे मशीनों को भी इजी होगा, इसलिए ये यहाँ से कैलिब्रेट करके भेजी जाती हैं। ये प्रॉपर इन्हें इंश्योर किया जाता है कि ये सही हो, कहीं कुछ अनइवन ना हो, इसलिए पहले ही इनका चेक किया जाता है कि सही तरीके से रहें। अब आगे देखिए वहाँ से भेजा गया और किस तरीके से एक खूबसूरत प्लाई जो होती है वो किस तरह आकार ले रही है, आप देखिए वहाँ आपको थोड़ा बहुत जो एक नमी होती वो भी महसूस कर पा रहे हो, लेकिन अब एक खूबसूरत प्लाई रूप लेते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। वहाँ से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है और एक के बाद एक प्लाई वहाँ से आती नज़र आ रही। कहा जाए कि सबसे पहला स्टेप जो मेकअप का होता है वो यही ऊपर हो रहा है कि कोई भी गलती ना रह जाए आगे प्लाई बनाने में, इसलिए
यहीं से इन्हें ये चीज इंश्योर किए जा रही है। आइए आगे की ओर दिखाते हैं किस तरह से प्लाई बनकर तैयार होती है। अब अगले स्टेप की बारी है, इन्हें एक बार फिर से क्वालिटी चेक किया जा रहा है। फेस पिनर लगाने से पहले क्वालिटी चेक किया जा रहा है कि जो प्लाई वहां से बनकर आई है, जो प्लाई का अभी फॉर्म लेने वाली है, वो बनकर आई है, वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है, कहीं बीच में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, ये चीजें यहाँ पर इंश्योर की जा रही है। आप किस तरह से ये चीजें इंश्योर करते हैं कि प्लाई अब एक मजबूत फॉर्म में आ गई है? जैसे कि आवाज करता है दूसरी तरफ, इसीलिए। अच्छा, अगर आवाज बीच में आ रही होगी, किस तरह से आवाज आती तो पता चलता है कि अभी खराब है, वो ढप ढप बोलने लगता है। हाँ। अगर खराब होती तो क्या करते हैं आप? उसको अलग में रख देते हैं। क्या वो प्लाई फिर से उसको इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, फिर से उसको बना के फिर से वो आता है। इसके बाद वो आगे जाता है, फेस लगता है। अच्छा, मतलब कहा जाए कि अब कपड़े पहनने की बारी है। अब ये पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ चुका है, अब बारी है इसको कपड़े पहनने की। चलिए दिखाते हैं किस तरीके से इसे कपड़े पहनाए जाते हैं। नहीं, इसके लिए माननीय सुरेश खन्ना जी ने प्रयास किए हैं कि बहुत जल्दी जितने भी जानवरों का, जो भी जो जानवर पालने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में इस पूरे जनपद सियामपुर में घर घर में रह रहे हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि इन जानवरों को बाहर एक अलग जगह दी जाए, उनके मालिकों को दी जाए, ताकि डेयरी उद्योग शहर के बाहर जा सके और ताकि अच्छे स्केल पर डेयरी उद्योग चले और सामूहिक रूप से चले, कोऑपरेटिव रूप से चले। तो जैसे कि आज अमूल है कोऑपरेटिव में चलता है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये भी चीज़ बहुत जल्दी देखेगी कि शायद दूर हो जाएगी। देखिए, युवाओं के बारे में जिसको कि मैं बोलने में ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने और बहुत सारी सरकारों ने कुछ योजनाएँ, फ्री में राशन, फ्री में पैसा, फ्री में बिजली, वो सारी चीज़ें चला दी हैं, बेरोजगारी भत्ता, उन चीज़ों को वजह से जो बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग हैं वो विदेश चले जाते हैं और जो मीडियम और लोअर स्तर के जो अपने आप को पाते हैं, तो मीडियम स्तर वाले तो रोज़गार फिर भी पा लेते हैं और जो थोड़े से कमज़ोर पढ़ने लिखने में रहे या जिन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ज़्यादा काम नहीं किया, तो वो निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ते की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो रोज़गार की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है, उद्योग बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं और उद्योग यहाँ पर आगे आएंगे भी, लेकिन हमको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है जिसके लिए हम लोग तलाश करते रहते हैं और उम्मीद है कि आगे सरकार इस पर ध्यान देगी, ऐसी मेरा मानना है। क्वालिटी चेकिंग होने के बाद अब इसमें ग्लू लगा के आगे के लिए भेजा जा रहा है और जैसा मैंने आपको बताया था कि अब इनके ऊपर इन्हें कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, इन्होंने इसको इस प्लाई को कपड़े पहना दिए कि एक खूबसूरत प्लाई जो नजर आती है वो कुछ इस तरह से ही प्रोसीजर के बाद नजर आती है। कितने बार कवर चढ़ाते हैं इस पर? जितने बार आता है उतने बार चढ़ाते हैं। दो बार एक प्लाई में? दो बार जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि दो बार इन पे कवर चढ़ाया जाता है जिसके बाद ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। आगे की ओर दिखाते हैं किस तरह से कपड़े पहनने के बाद प्लाई अपना प्रॉपर फॉर्म किस तरह से लेती है। प्लाई का कवर लगाने के बाद अब बारी होती है एक बार फिर कोल्ड प्रेस की। जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था कि एक के ऊपर दूसरी प्लाई लगाई जाती है और फिर उसको चिपकाया जाता है ग्लू लगाने के बाद, जिसमें और भी ज्यादा मजबूती आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर उसका कवर चढ़ाने के बाद इनको और भी मजबूत बनाने के लिए कोल्ड प्रेस के लिए भेजा जाता है। आगे का प्रोसीजर भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा चुके होंगे कि इन्हें हॉट प्रेस के लिए ही भेजा जाएगा जैसे कि पिछली बार भेजा गया था। तो चलिए हॉट प्रेस का भी प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कोल्ड प्रेस होने के बाद, किस तरह हॉट प्रेस होने के बाद और भी ज्यादा इनमें मजबूती आ जाती है। वैसे एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इनकी क्वालिटी चेकिंग के लिए हर बार जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें हर बार इनकी क्वालिटी चेकिंग होती है कि पूरी तरीके से जो प्लाई है वो पूरी तरीके से उसमें मजबूती है या नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह गई, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। आइए आगे की ओर ले चलते हैं आपको। अब बारी है हॉट प्रेस की। वहाँ से निकलने के बाद फिर इन्हें हॉट प्रेस के लिए भेजा जाता है। क्या टेम्परेचर होता है? 140 टेम्परेचर जी। अब आगे की प्रोसेस कोई और आपको लेकर चलते हैं कि हॉट प्रेस होने के बाद किस तरह से आगे ये प्लाई एक प्रॉपर प्लाई बनकर तैयार होती है, तो आइए आपको दिखाते हैं हम।
कोल्ड और हॉट प्रेस के बाद अब बारी है इनके कटिंग की, क्योंकि इसमें कई बार ग्लू लगाया जो जा चुका है और वो ग्लू काफी हार्ड होता है जिससे कि प्रॉपर तरीके से चिपक जाए, तो वो आंखों को भी चुभ रहा है, काफी इरिटेट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि लेजर के जरिए इनकी कटिंग हो रही है, इनका प्रॉपर मेजरमेंट लिया गया जो 8x4 का है। ये देखिए रेड लाइट आपको नजर आ रही होगी, इसके जरिए इनका प्रॉपर मेजरमेंट है कि इतना इतने जो एक्स्ट्रा इसमें लकड़ियां हैं उनको काटा जाएगा, आगे कटिंग के लिए जाएगी। किस तरह से आगे प्रोसेस इसका है? इसका आगे प्रोसेस इस तरह से है, ये मशीन को जब हम ऑन करते हैं तो इसके ब्रैकेट जो दबाकर इसको ले जाते हैं, इधर उधर कटर लगे हुए हैं, बाकी जबड़ा इधर उधर निकल जाता है, बाकी पीस वहाँ से घूम करके ट्रॉली पर चला जाता है, वहाँ ऑटोमेटिक मशीन मिला देती है। अच्छा, ठीक है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद आगे का प्रोसीजर होता है, प्रॉपर जो प्रॉपर प्लाई होती है वो शायद कुछ हद तक बनकर तैयार हो जाती है। आपने देखा कि लेजर के जरिए इनका मेजरमेंट लिया गया 8x4 का, उसके बाद किस तरह से कटिंग होती है वो आपने देखा। कटिंग होने के बाद यहाँ से जो प्लाई है वो आ जाती है और एक प्रॉपर जो प्रॉपर शेप होता है प्लाई का वो बनकर कुछ हद तक तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके का शेप में प्लाई आपके घर में इस्तेमाल होती होगी, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है। आगे भी अभी कुछ प्रोसीजर बाकी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि कटिंग होने के बाद किस शेप में लकड़ी यहाँ पर आ रही है, जो एक्स्ट्रा लकड़ियाँ हैं वो बगल बगल में ही इस तरह से कटकर रह जा रही है और प्रॉपर शेप में लकड़ी यहाँ पर आ जा रही है। आगे की ओर आपको दिखाते हैं किस तरह से बनकर तैयार होता है। कटिंग के बाद अब बारी है ड्रम शेल्डिंग की। ड्रम शेल्डिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना रह जाए और एक प्रॉपर शेप में आने से पहले इनकी चेकिंग की जाती है। ये जो रफ चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल भी रफ ना रह जाए, ये यहाँ पर इनकी कटिंग होती है प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए। आगे दिखाते हैं कि ये इस तरह से जा रही है, लेकिन इसके बाद ये किस तरह से प्लाई यहाँ से किस फॉर्म में निकल रही है, ये आप देख रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि एक जो रफ चीज़ें थी वो नहीं है। ड्रम शेल्डिंग मशीन से ये इंश्योर किया जाता है कि प्लाई पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इसी तरह की प्लाई हम घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी तरीके से प्रॉपर फिनिशिंग दी जा चुकी है, इन्हें प्रॉपर जो शेप है साइज है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब आखिरी प्रोसीजर है वो आपको दिखाते हैं, चलिए। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टैम्पिंग। वहाँ से प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आखिरी प्रोसीजर की ओर बढ़ता है और स्टैम्पिंग के लिए जाता है। ये देखिए एक के बाद एक यहाँ पर प्लाई को इसमें डाला जाता है, प्लाई पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ मशीनों के जरिए इनमें स्टैम्पिंग की जाती है। ये देखिए यहाँ पे प्लाई आए और इनमें स्टैम्पिंग के लिए मशीन तैयार है, इनमें स्टैम्पिंग कुछ इस तरह से की जाती है और आगे ये स्टैम्पिंग के बाद पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। लेकिन अभी एक प्रोसीजर जो है वो भी बाकी है कि इसमें ये लास्ट स्टैम्पिंग का प्रोसेस है। ये आप देख पा रहे हैं अब ये प्लाई पूरी तरीके से इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुकी है और ये सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। अब इसकी बारी है इसे इस्तेमाल करने की। जिस तरह से इसकी डिमांड होती है उस तरह से इसका सप्लाई किया जाता है। तो आपने देखा इतनी मेहनत मशक्कत के बाद प्लाई पूरी तरीके से इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुकी है। काफ़ी इजी सा प्रोसेस, हम लोग को लगता होगा कि काफ़ी इजी प्रोसेस है, लेकिन आज ये देखने के बाद वाकई ये महसूस हुआ कि कोई भी काम आसान नहीं होता है, कितना टफ प्रोसीजर है, काफ़ी रिस्की भी होता है। ग्लू जो है वो इस तरह से आंखों में चुभता है, आंसू निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने काम के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि रुकते नहीं हैं, लगातार उसमें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। काफ़ी रिस्की है इसलिए लकड़ी है, क्योंकि कहीं हाथों में चुभ ना जाए इसलिए ग्लव्स भी पहन कर रखते हैं। जो प्रोसीजर है बनाने का वो काफ़ी रिस्की है, इसलिए पूरा प्रिकॉशन लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।